थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस पैनल में। दोस्तों, आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें एक ऐसा प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला है। दोस्त, यकीन मानना, आज यदि हमने ओपन माइंड से इस पूरे प्रोग्राम को अटेंड किया तो जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं प्रवीण शाक्या आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले आप सभी का इस पैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज संडे का दिन है, आज कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का बिजी शेड्यूल रहता है और आपको जैसा पता है अभी 10 बज रहे हैं और थोड़ा ठंड का भी टाइम है, तो उस टाइम को भी आपने यूज करते हुए हर एक, मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोग हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। दोस्त, और यकीन मानना दोस्त, ये मीटिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाली, हमारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाली हमारी जिंदगी में। और आज इस प्रोग्राम को ऐसे बहुत सारे लोग अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो सेफ सोप एडवाइजर हैं, मगर बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ बिजनेस प्लान को देखा है। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने साइन अप भी किया है, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो विचार कर रहे हैं इस बिजनेस को ज्वाइन करूं या नहीं करूं, करूंगा तो हमारी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो दोस्त, आपके हर एक सवाल का जवाब आज आपको इस पैनल से मिलने वाला है। आज हमारे बीच में एक ऐसी जबरदस्त पर्सनालिटी मौजूद है दोस्त, जिस व्यक्ति के बारे में, जिस पर्सनालिटी के बारे में मैं जितना भी कहूं, मतलब सूरज को चिराग दिखाने के समान है। दोस्त, एक ऐसी जबरदस्त पर्सनालिटी है, यदि मैं उनके बारे में बताऊं तो कारपोरेट ट्रेनर है, वो ऑलरेडी कारपोरेट ट्रेनर है, 25 साल का उनको ऑलरेडी अपनी फील्ड का एक काफी बड़ा एक्सपीरियंस है कारपोरेट का। और आज हमारे बीच में हमारे गेस्ट हैं और जबरदस्त पर्सनालिटी है दोस्त, और आज उनके मार्गदर्शन में काफी सारे लोग अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, आ रहे हैं दोस्त। तो दोस्तों, आपसे एक कुछ रिक्वेस्ट रहेंगी मेरी, आप लोग नेटवर्क क्षेत्र में बैठे हैं, इस पूरे प्रोग्राम को आप ओपन माइंड से जरूर अटेंड करें, और आपके जो भी सवाल बनते हैं आप उसको नोट डाउन भी करते जाएं। आफ्टर प्रोग्राम आप जिस किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको लिंक मिली है, जरूर आप अपने सवालों को सॉल्व करें। वैसे तो यहां पर हर एक सवाल, इस प्रोग्राम को ऐसे डिजाइन किया गया, आपके हर एक सवाल स्वतः ही क्लियर होते चले जाएंगे, मगर फिर भी कोई सवाल बचते हैं तो उनको नोट डाउन करते चले जाएं। तो दोस्त, उस जबरदस्त पर्सनालिटी के बीच में और आपके बीच में ज्यादा बाधा ना बनते हुए डायरेक्टली हम इस पैनल पे हम उनको कॉल करते हैं, मगर आप सभी के बिहाफ पर, आप सभी की जोरदार तालियों के बिहाफ पर हम उनको कॉल करते हैं। वो हमारे जबरदस्त गेस्ट हैं, और आपको भी पता है जंगल के शेर को देखना इतना आसान भी नहीं होता, और उनका स्वागत किस तरीके से किया जाता है ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। तो हम स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के बिहाफ पर, आज हमारे गेस्ट, स्पेशल गेस्ट हैं, प्लीज कम ऑन दी ऑन जूम, मिस्टर विवेक सुरानी जी, जोरदार तालियां, स्वागत है सर आपका इस पैनल में। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू सो मच। और आज इस वीडियो को देखने वाले हमारे सारे साथी एसोसिएट्स, उनके गेस्ट और उन सभी व्यक्तियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी लोग समय से जुड़ गए हो और इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, ये दिखा रहा है कि सही मायने में आप अपनी जिंदगी में कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ हटके करने के लिए आप तैयार हो। दोस्तों, जैसे कि आज आपको इस मीटिंग के बारे में जिस व्यक्ति ने भी बताया होगा, उसने ये भी बताया होगा कि ये एक बिजनेस सेमिनार है। तो बिजनेस की जब बातें होती है तो हमारे दिमाग के एंटेना जो होते हैं ना, वो सतर्क हो जाते हैं, और ऐसे सतर्क होते हैं कि सारी चीजें, यानी कैलकुलेशन, ये वो, सारी चीजों को समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन बिटवीन अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है तो हम, यानी जो मेन पॉइंट है वो शायद चूक भी सकते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छी सी जगह पर बैठ के बहुत ही इत्मीनान से इस पूरी मीटिंग को अटेंड करें, और जो आज यहाँ पे आपको बताए जाने वाली चीजें हैं उनमें से बेस्ट चीजों को लेके अपने जीवन में बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक बढ़िया डिसीजन ले। तो जैसे कि
आज हमें बिजनेस के बारे में बात करना है, तो मैं स्लाइड के माध्यम से आपसे ये सारी बातचीत करना चाहूंगा। मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूं। दोस्तों, सफलता इंतजार करने से नहीं, मौके पे चौका मारने से मिलती है। आज सारे लोग जो यहां पे इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही लोगों को आज इनविटेशन दिया गया था। इनविटेशन तो काफी सारे लोगों को दिया गया, लेकिन कौन अटेंड कर रहा है? जिसने इस मौके को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और ये समझा कि नहीं, अगर मैं यहां से कुछ सुनूंगा, कुछ समझूंगा, हो सकता है कि मुझे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो आज इस मौके को आपने अटेंड करने के लिए आज यहां पे आए हो, जरूर आपको यहां से मौके पे चौका मारने का एक मौका मिलेगा। दोस्तों, मैं एक कहानी से शुरुआत करना चाहूंगा। एक जापान की मछली है जिसका नाम है कोई। जी हाँ, ये मछली का नाम है कोई। जब वो जन्म लेती है तब बहुत ही छोटी होती है, मान लो करीबन 3 से 3.5 इंच के आसपास। लेकिन अगर जन्म के तुरंत बाद ही उस कोई मछली को अगर एक छोटे से बकेट के अंदर डाल दिया जाता है, तो वो पूरी जिंदगी भर इतनी ही बड़ी होती है जितनी वो बकेट के अंदर घूम सके। आप स्क्रीन पे लेफ्ट साइड के इस पिक्चर को देख के समझ सकते हो कि अगर जन्म के तुरंत ही अगर इस कोई मछली को एक बकेट में डाल दिया जाता है, तो पूरी जिंदगी भर उसकी लंबाई इतनी होती है जितनी वो बकेट में आराम से घूम सके। यानी समझ लो 6 से 7 इंच के आसपास। लेकिन अगर जन्म के तुरंत बाद अगर उसको कोई बड़ा अच्छा सा बकेट मिल जाए, यानी बड़ा कोई एक ऐसा चीज मिल जाए, टब मिल जाए, उसके अंदर अगर उसे डाल दिया जाता है, तो उसकी लंबाई 6-7 इंच की नहीं होती, उसकी लंबाई हो जाती है करीबन 1.5 फुट की, जैसे कि आप इस राइट हैंड साइड के चित्र में देख सकते हो। लेकिन अगर इस मछली को जन्म के तुरंत बाद ही एक बड़े से स्विमिंग पूल में डाल दिया जाए, तो उसकी लंबाई आप बिलीव नहीं करोगे, करीबन करीबन 7 से 8 फीट तक लंबी हो जाती है, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। कई सालों तक ये तो मछली तो जन्म लेती है और यानी अपना काम करती रहती है, किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि ये होता कैसे है, क्योंकि मछली सेम है, यानी उसकी जो डीएनए, उसकी जो रचना है, कुदरती रचना है, वो तो सेम है। अगर हम इंसान की बात करें तो हमारी हाइट जो आम इंसानों की होती है उतनी ही होती है। सारे लोग कोई एकदम से बड़े या एकदम से छोटे सारे लोग नहीं हो जाते, क्योंकि हमारे डीएनए एक फिक्स है। बिल्कुल वैसा ही हर जानवर, हर पक्षी, हर सजीव की अगर हम बात करें तो वो अपने डीएनए के हिसाब से विकसित होते हैं। लेकिन ये एक अकेली मछली ऐसी है जो अपने आसपास की जो विकास होने के लिए जो परिस्थिति है उसके हिसाब से विकसित होती है। जैसे कि आपने देखा कि अगर इस मछली को छोटे से बकेट में रखा गया तो वो बहुत ही छोटी रह गई, एक बड़े से टब में रखा गया तो टब के हिसाब से बड़ी हो गई, लेकिन जब एक बड़े से स्विमिंग पूल में डाला गया तो वो एकदम से बड़े रूप में आ गई। जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तब उन्होंने पाया कि जैसे ही इस मछली के आसपास का विकास होने का स्कोप उसको ज्यादा दिखता है, उसकी मांसपेशियां बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कि ये मछली अपने आसपास के विकास होने के स्कोप के हिसाब से डेवलपमेंट करती है। यही कोई चीज अगर हम इंसानों की बात करें तो हमें यह कहा जाता है ना कि हमारी चद्दर जितनी है उतने पैर फैलाओ। जैसे कि इस मछली के आसपास का विकास होने का एक स्कोप, बिल्कुल वैसे ही अगर हमारी चद्दर छोटी है तो हम उतने ही पैर फैलाते हैं,
अगर चादर बड़ी है तो बड़े फेर फैलाएंगे, लेकिन उससे बाहर जाने का कभी नहीं सोचेंगे। यानी कि हमारी जो विकास करने की सोच है वो हमारी कैपेसिटी के हिसाब से है। लेकिन दोस्तों, अगर इसी एग्जाम्पल में अगर नोट किया जाए कि अगर टब की जगह पे हर एक मछली को बड़ा समंदर मिल जाए तो ये मछली बहुत बड़ी हो सकती है। यानी कि अगर चद्दर को बदल दिया जाए तो हम बड़े पैर फैला सकते हैं। इंटरेस्ट तो ये बात अगर हमारी समझ में आ जाती है, अगर आप इतना समझ लेते हो कि यस, ये काम करने से इतना बड़ा काम हो सकता है, तो हम यहाँ पे बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस सेमिनार के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक विजन दू, एक ऐसी सोच दू जिस सोच को लेके आप बड़ी सफलता को हासिल करो। लेकिन होता यह है कि आज आप यहां पे एक बिजनेस के माध्यम से इस वेबिनार में जुड़े हो, और इस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आमतौर पे अगर आप ये देखो कि हम किसी के भी पास जाके इस बिजनेस का अगर नाम लेंगे तो लोग भागना शुरू करते हैं। जैसे ही आप बोलते हो नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, ऐसा कुछ भी आप बोलते हो, तो आज हाल बाहर की परिस्थिति ऐसी है, लोगों की मानसिकता ऐसी है कि इस बिजनेस के नाम को सुनते ही वो भागना शुरू करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने ये कहानी सुनी होगी विक्रम और बैताल की, जहां पे विक्रम को बैताल ये कहता है कि मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन अगर तू बोला तो मैं गया, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो जैसे ही विक्रम बोलता है, बैताल छू मंतर हो जाता है, गायब हो जाता है, वापस चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब आप मुंह खोल के ये बोलते हो, किसी को कहते हो नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, तुरंत ही सामने वाला बैताल बन जाता है, गायब हो जाता है, फोन नहीं उठाता है, आपके सामने नहीं आता है, आपसे मुंह फेर लेता है, कांटेक्ट तोड़ देता है। ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इन शब्दों के पीछे जो पावर है, जो ताकत छुपी है इस बिजनेस की, वो सही मायने में किसी ने एजुकेट नहीं की, लोगों को ये समझाया नहीं है, उसके असल मायने लोगों तक नहीं पहुंचाए। इस बिजनेस में जो पावर है, उस पावर को आज इंडिया में आप देख सकते हो कि जितने भी ज्यादातर लग्जूरियस कार के ओनर हैं, उसमें मैक्सिमम नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स हैं। करोड़पतियों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स आते हैं। ये इतना पावरफुल बिजनेस, लेकिन उसका नाम जैसे हम बोलते हैं लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो चिंता मत कीजिए, आप सही जगह पे हैं। आज इस सेमिनार के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज दूं, ताकि अगर आपके दिमाग में इस बिजनेस को लेके कहीं पे भी कुछ डाउट है, वो तो सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे और आप यहां से एक अच्छे बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेके उसकी शुरुआत कर सकोगे। लेकिन ज्यादातर जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, प्लान दिखाने के बाद सामने वाली व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ ना कुछ नॉलेज आपको देगी, या फिर वो कुछ ना कुछ डायलॉग देगी, और डायलॉग कुछ इस प्रकार से होंगे, लोग ये कहते हैं हमें सब पता है। वैसे कुछ पता नहीं होता, लेकिन क्या बोलते हैं, हमें हमें सब पता है भैया, ये सारी बातें तो वो सारी सुनी सुनाई है, वो मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है, ये क्या होता है, कैसे होता है। ये एक नॉर्मल लोग ऐसे ही कह देते हैं। काफी लोग ये भी कहते हैं ऐसी स्कीम हमने बहुत देखी है, आगे भी बहुत आई थी, ये थी फला कंपनी, वो कंपनी, ऐसी स्कीम, वैसी स्कीम, ये किया, वो किया, बहुत देखा हुआ है।
लेकिन असल में डीप नॉलेज कभी लिया होता नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया हमारे बाल धूप में सफेद ऐसे ही नहीं हुए, हमने बहुत सारी चीजें देखी हुई है। तो लोग अपना एक्सपीरियंस दिखाने के लिए कुछ भी कहेंगे, लेकिन आपसे इस बिजनेस की सही इंफॉर्मेशन लेने से दूर रहेंगे। हो सकता है वो ये भी कहे कि भाई तेरी जितनी उम्र है इतना मेरा तजुर्बा है, मुझे मत सिखाओ ये बिजनेस कैसे होता है, क्या होता है, इसमें क्या होता है, मुझे सब पता है। या फिर लोग ये भी कहें कि अब तुम हमें सिखाओगे कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, क्योंकि वो आपको देखते हैं कि आज आपकी परिस्थिति क्या है। लेकिन सच बताओ दोस्तों, किसी भी बिजनेस की शुरुआत क्या एकदम से करोड़पति बनने की होती है? शुरुआत हमेशा स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले ही कदम में चोटी पे नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन हर एक कदम पे बिना रुके चलने से 100% चोटी पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि भाई तुम पहले करोड़पति बन जाओ फिर हम देखेंगे, यानी फिर भी आप बन जाओ बाद में भी वो तो देखेंगे, वो करेंगे नहीं। तो ये जो भी बातें आपको लोग सुनाते हैं, आपसे करते हैं, उन सभी बातों को आपने या तो सुना होगा या आने वाले समय में आप सुनेंगे, लेकिन इन सभी बातों से कभी भी आपको निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। ये बोलने वाले वही लोग हैं जिनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं, खुद का कोई रिसर्च नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और बोलते जाते हैं। देखो, अगर आप देखो कि आज हम बिजनेस की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मान लो ये दुनिया है, ऐसे है तो ट्रायंगल, लेकिन जो असल दुनिया है ना अभी फिजिकल वर्ल्ड, वो गोल है। लेकिन अगर बिजनेस की दुनिया देखो तो ट्रायंगल है, क्योंकि इस ट्रायंगल में जो सबसे टॉप पे है वहां पे एक ही बंदा खड़ा रह सकता है, बाकी सारे लोग इस ट्रायंगल की पीक पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन जब वो वहां पे पहुंच जाते हैं, वहां पे जो खड़ा है उसको हटा देते हैं और वो खड़े हो जाते हैं। यानी जब भी कोई एक व्यक्ति की बात होगी कि टॉप का बिजनेसमैन, टॉप का रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो वो एक बंदे का नाम आएगा। तो आज अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया कैसी है? ट्रायंगल, जहां पे टोच पे पीक पे एक व्यक्ति है और बाकी सारे लोग यहां पे हैं। अगर हम इसी ट्रायंगल को देखें तो जैसे 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 आप नीचे आते जाओगे, नीचे आते जाओगे, नीचे आते जाओगे, बेस की बात करोगे तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास हैं, पुअर हैं, फिर थोड़े ऊपर जाएंगे तो मिडिल क्लास हैं, फिर थोड़े ऊपर जाएंगे तो अपर मिडिल क्लास है, और फिर थोड़े ऊपर जाएंगे तो थोड़े रिच पर्सन है, और फिर ऊपर जाएंगे तो सुपर रिच है, और जो टॉप पे खड़ा है वो रिचेस्ट पर्सन है। लेकिन ये जो भी व्यक्ति ऊपर जाता है वो तो एकदम से ऊपर नहीं जाता, या पैदाइशी ऊपर ही पैदा नहीं होता। ऐसी कुछ बातचीत है, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है जो नीचे रहे किस व्यक्ति को मिलती है, और उस इंफॉर्मेशन को लेके वो तेजी से ऊपर तक जा सकता है। और आज इस वेबिनार में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसे क्या बिजनेस सीक्रेट्स हैं जो टॉप के रिचेस्ट पर्सन को पता है और इसीलिए वो जल्दी से वहां पहुंचे हैं और आप वहां पे नहीं। लेकिन अगर आप ये जान जाओगे कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन के पास ऐसी क्या क्या चीजें होती है, ऐसा क्या काम करते हैं, कैसे वो वहां पे पहुंचते हैं, अगर ये जान लिया और वो करना शुरू कर दिया तो बहुत जल्द आप भी रिचेस्ट पर्सन बन सकते हो। जब भी मेरे सेमिनार में मैं ये बात कहता हूं तो काफी लोग ये कहते हैं कि सर इतना रिचेस्ट तो मुझे नहीं लगता मैं कभी बन पाऊंगा,
या मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, पता नहीं है, ये सब लोग कहते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि वर्ल्ड का रिचेस्ट ना बन पाऊं, लेकिन सच बताओ, क्या आप ये नहीं चाहते क्या आप अपने शहर में या अपने मोहल्ले में या अपनी कम्युनिटी में या अपनी फैमिली के लिए एक ऐसे व्यक्ति बनो जो उनकी फाइनेंशियल नीड्स, पैसों की जरूरतों को आसानी से पूरा करे? अगर आप ये सही मायने में चाहते हो तो आज यहाँ पे जो सीक्रेट टिप्स मिलेगी वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, ये है वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन टॉप 5, आपके और मेरे जैसे ही लोग हैं, इंसान है, वो वहां पे है, टॉप पे है और हम नहीं है। मतलब कि उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो जानते हैं और शायद हम वो नहीं जानते। कुछ तो ऐसी चीज है। और अगर आप ये देखो कि आज से कुछ साल पहले जो आज 5वें नंबर पे है वो फर्स्ट पोजीशन पे था, उसके बाद उसको हटाया गया, जो चौथे नंबर पे है वो फर्स्ट पोजीशन पे आया, फिर थर्ड पोजीशन वाला पिछले कुछ सालों पहले फर्स्ट पोजीशन पे था, और अगर हम बात करें सेकंड पर्सन की यानी कि जेफ बेजोस की, तो वो भी कुछ सालों से वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में गिने जाते थे। लेकिन फिर एक व्यक्ति आया जिसने 2021 अपने नाम कर ली वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन के हिसाब से, वो है टेस्ला के ओनर एलन मस्क। ये होती है एक दौड़ जो ट्रायंगल की तरफ लोग करते हैं, लेकिन इस दौड़ में ऐसे ही नहीं दौड़ते, कुछ नॉलेज, कुछ स्पेशल चीजें ये लेके वो दौड़ते हैं ताकि वो जल्द से जल्द वहां पे पहुंच जाए। हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से इस पोजीशन पे पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक मिडिल या लोअर मिडिल क्लास क्या करता है, वो स्ट्रगल करता है सर्वाइवल के लिए। सुबह से शाम तक एक मजदूर काम करता है अपनी एक रोजी रोटी के लिए, अपने घर के लिए, एक खुद का मकान बनाने के लिए, अच्छे कपड़े, बच्चों का एजुकेशन के लिए। यानी सुबह से शाम ना करते हुए पूरी जिंदगी इसी काम को कंप्लीट करने में चली जाती है। आप देख सकते हो कि ये जो 5 लोग हैं, ऐसा कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की अगर आमदनी जो है उसको एक साइड रखो और इन 5 लोगों की एक साइड रखो तो इनकी ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के पास सुबह से शाम घर चलाने के पैसे नहीं है, जबकि किसी के पास इतने सारे पैसे हैं कि कहां पे खर्च करे वो भी पता नहीं है। ऐसे रिचेस्ट वर्ल्ड के लोग हैं जिनके पास गाड़ियां, घर, वर्ल्ड टूर, सारी फैसिलिटीज, सब कुछ है। तो अगर ये कुछ चीजों के हिसाब से, यानी कुछ नॉलेज के हिसाब से अगर ये कर सकते हैं, तो हम भी बेशक ये नॉलेज लेके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या काम है जो अमीर लोग करते हैं और जो मिडिल क्लास लोग नहीं कर पाते। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए सीक्रेट ऑफ रिच पीपल? तो अब हम बात करेंगे कि ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं जो करोड़पति लोगों को बनाते हैं। देखिए, ये है एलन मस्क, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन। और कितनी इनकी इनकम थी 2021 में? 290 बिलियन यूएस डॉलर। अभी काफी लोग ना ये अंकों की माया जाल में घुस जाएंगे, तो उसको मैं आसान कर देता हूं कि 290 बिलियन डॉलर मतलब क्या, आपको क्या समझ में आएगा। तो चलो समझने के लिए देखते हैं कि 1 बिलियन मतलब कितना होता है, 100 करोड़। 1 बिलियन का मतलब क्या हुआ, 100 करोड़। और यहां पे इनके पास है 290 बिलियन। तो 290 बिलियन मतलब 29,000 करोड़।
अब ये हो गए यूएस डॉलर। अगर हमें इसको जानना है कि ये इंडियन रुपीस में कितने हैं, तो इसको हमको गुना करना पड़ेगा 75 से, जो आज का मान लो डॉलर का रेट है, तो ये हो जाएंगे 21,75,000 करोड़। नहीं समझ में आया? 21,75,000 करोड़, यानी 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, ऐसा करते 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 21,75,000 करोड़। और अगर इसको लिखेंगे ना, तो इतने सारे जीरो आ जाएंगे, इतने सारे जीरो आ जाएंगे पीछे, कि दिमाग काम करना बंद कर देगा, इतने सारे पैसे आ जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें बताने का मेरा मतलब ये है दोस्तों, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कैसी लाइफ होगी जिस बंदे के पास इतने सारे पैसे होंगे। यानी क्या कुछ संभव नहीं होगा लाइफ में, जो चाहे जैसा चाहे वैसा उसको मिल सकता है, इतने सारे पैसे। कभी कभी इतना ज्यादा देखने के बाद भी बिलीफ सिस्टम बंद हो जाती है और लगता है कि नहीं 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 इतना तो नहीं हो सकेगा मेरी लाइफ में, तो ये भी हो सकता है, लेकिन वो गलत नहीं है दोस्तों। इतने सालों में कभी कुछ देखा नहीं है और अचानक से जब हम इतनी बड़ी रकम देखते हैं, तो माइंड उसको बिलीव करने से मना कर देता है, कुछ चीजें आउट ऑफ फोकस हो जाती है। तो इतने लाख करोड़ की बात नहीं करते, मैं खाली इतना पूछना चाहूंगा कि अगर आपको 100 करोड़ मिल जाए तो लाइफ कैसी होगी? यस, कुछ लोगों की अभी हंसी निकल रही है, चेहरे पे स्माइल आ गई है, मुट्ठियां बंधने लगी है ना, और यानी अरमान जगने लगते हैं। जब आपको ये कोई कहता है कि अगर आपके पास 100 करोड़ आ जाए तो कैसा हो जाए, लाइफ कैसी हो जाएगी? और अभी भी हो सकता है काफी लोगों की ये लगता है कि नहीं नहीं सर, ये तो बहुत ज्यादा है। तो मैं कहूंगा इसको भी जाने दो सर, 10 करोड़ की बात कर लो खाली। अरे 10 भी छोड़ दो, 1 करोड़ भी अगर आज आपको मिल जाए तो लाइफ कैसी हो जाएगी? हमारी टीम के काफी एसोसिएट्स हैं जिनके पास तो लिस्ट रेडी है कि अगर 1 करोड़ मिल गए तो क्या क्या काम करने। यस नो? तो दोस्तों ये मुमकिन है, क्योंकि अगर इंसान है, एक व्यक्ति जो कर सकता है वो दूसरा कर सकता है, अगर वो जान ले, वो समझ ले कि उसने ऐसा क्या और कैसे किया था, और वही चीज अगर करना शुरू करें तो हम भी कर सकते हैं। दुनिया में पैसों की कमी नहीं है, दुनिया में सही इंफॉर्मेशन की कमी है। तो आज अगर आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाए कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, तो आप भी करोड़पति बन सकते हो। दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे रिचेस्ट पर्सन की बायोग्राफी चेक करी, स्टडी किया, बहुत सारी बुक्स को पढ़ा, और वहां से कुछ ऐसी चीजों को, ऐसे निचोड़ को तैयार किया है जो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने पेश करूं। ऐसे कुछ सीक्रेट्स जो ये आम इंसान को रिचेस्ट पर्सन बना देता है। चलिए देखते हैं। सीक्रेट नंबर 1 ये है कि जितने भी लोग हैं, यानी ये 5 की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल वर्ल्ड में 2,500 से भी ज्यादा सुपर सुपर रिच पर्सन है, और ऐसे सुपर सुपर रिच पर्सन है जो 2,500 से भी ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, उन सबको अगर ओवरऑल ओवरऑल देखा जाए कि वो कैसा क्या काम करते हैं, उन सबके सीक्रेट्स में से अगर कुछ चीजें निकाल के लेके आए, तो सबसे पहला सीक्रेट ये है कि ये सारे के सारे रिच पीपल बिजनेस करते हैं। आपको लगेगा कि ये क्या सीक्रेट है, लेकिन दोस्तों सीक्रेट ये है कि ये लोग जॉब नहीं करते, या फिर ये लोग बचत नहीं करते, यानी बचत करते हैं लेकिन बचत से करोड़पति या वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन नहीं बने, सेविंग्स करके नहीं बने, जॉब करके नहीं बने, बिजनेस करके बने। आप किसी का भी देख लो, हर एक व्यक्ति ने बिजनेस किया और बिजनेस के जरिए अपने इस एम्पायर को इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया
कि पूरे वर्ल्ड में आज उनका बिजनेस है और इसी वजह से आज वो करोड़पति है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ये है जैकमा। ये एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। अगर एशिया की बात करो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि एशिया मतलब क्या, तो मैं बताना चाहूंगा कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये आसपास के जो हमारे रिलेटेड जितने भी कंट्रीज हैं उनका एक खंड बनता है जिनको कहते हैं एशिया। यानी आसपास के इतने सारे सभी देशों में रिचेस्ट पर्सन है जैकमा। लेकिन अगर इनकी बात करें तो इनकी जिंदगी में उनको अगर कोई अफसोस है तो ये है कि उनको जॉब नहीं मिली। जी हाँ, जब वो स्टार्ट किया, उसने इस करियर को, अपनी बिजनेस की करियर को स्टार्ट किया, इनकम करने का स्टार्ट किया, तब उसने ट्राई किया था पुलिस की जॉब के लिए। लेकिन एक बार दो बार नहीं, 7 बार ट्राई किया लेकिन जॉब नहीं मिली। तो उसके बाद उसने जॉब के लिए ट्राई किया केएफसी में, लेकिन केएफसी वालों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। यानी समझ लो कि वहां पे 42 लोगों की भर्ती थी, 41 लोगों को लिया गया और इनको रिजेक्ट किया गया। फिर अपनी किस्मत से उदास नहीं हुए, अपनी एक कंपनी खोली, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया और आज चेयरमैन है अलीबाबा ग्रुप के और पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन बिजनेस के लीडर है। ऐसी शानदार शख्सियत, अगर उसको जॉब मिल गई होती तो ये बिजनेस नहीं कर पाते। आज उनकी बायोग्राफी में और उनकी स्पीच में वो काफी बार कहते हैं कि क्या करूं, मैं इतना बड़ा बन गया क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिली। अगर मैं जॉब करता तो शायद इतना बड़ा नहीं बनता। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बिल गेट्स। इनको तो आप जानते हो, इनकी तो सारी हिस्ट्री काफी लोगों को पता होगी। ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन एक बार थे, अभी नंबर गिर गया है इनका। लेकिन ये भी अपनी पढ़ाई में इंजीनियरिंग में फेल हुए। अभी कभी जब उसने एग्जाम ही नहीं दी, डिग्री ही नहीं मिली, तो जॉब की तो बात ही नहीं है। तो जॉब तो मिलने से रही, तो कभी जॉब की ही नहीं। लेकिन आज इतनी बड़ी कंपनी खोल ली है कि जितने भी आईटी इंजीनियर्स निकलते हैं उनका एक ड्रीम होता है इनकी कंपनी में काम करने का, जो खुद कभी इंजीनियर नहीं बने। लेकिन अगर उनके दोस्तों की बात करो जो उनके साथ पढ़ते थे, ये फेल हुए और दोस्त आगे निकल गए, वो तो कहते ही होंगे ना कि तेरी तो इंजीनियरिंग भी कंप्लीट नहीं हुई, ताना मारते होंगे, तू तो फेल हुआ था। कहते होंगे क्या दोस्तों? ये एक ऐसी शानदार शख्सियत है जिसने अपनी जवानी में ही अपने आप को ऐसा प्रोग्राम किया था कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो वर्ल्ड को लीड करेगी, और आज एक बढ़िया बिजनेस करके माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं और बहुत ही शानदार बिजनेस कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा मेरे सारे सेफशॉप के मित्रों को कि बधाई हो, आप भी ये सबसे पहला जो सीक्रेट है वो जान चुके हो, और आप आज जो भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ आप भी सेफ शॉप बिजनेस कर रहे हो। दूसरा सीक्रेट हम देखते हैं, और दूसरा सीक्रेट ये है कि ये जितने भी वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग हैं वो काम करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। वो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं या कुछ ऐसी चीजों की सर्विस देते हैं जो कोई सोचता नहीं है या देता नहीं है। तो ये जितने भी लोग हैं वो प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं जिसका कोई तोड़ जोड़ नहीं है। अगर हम देखें कि वर्ल्ड के रिचेस्ट टॉप 10 की बात करें तो उसमें इंडिया का एक भी नहीं है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इंडिया का जो वर्ल्ड के टॉप 10 में है। अपने मुकेश भाई भी कहीं 11 से 20 के अंदर में आते हैं। तो आप ये समझो कि इंडिया का अगर रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी, वो भी वर्ल्ड के टॉप 10 में नहीं है, तो वो टॉप 10 लोग ऐसी तो क्या क्या चीजें बनाते होंगे, कैसे काम करते होंगे। दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं
उसके सामने इंडिया में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, सबसे ज्यादा मैन पावर है, लेकिन फिर भी हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों का निर्माण नहीं करते, जबकि दुनिया के काफी ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो बहुत बढ़िया चीजों का निर्माण करते हैं। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट की डिलीवरी, प्रोडक्ट की सर्विसिंग, ये सारी चीजों में वो मास्टर है। यानी कि ये जितने भी लोग हैं, नंबर वन है प्रोडक्शन के अंदर, नंबर वन है सर्विसेज में, और ये तो आप भी मानोगे कि क्वालिटी में भी वो लोग बहुत ही आगे हैं, नंबर वन है। ऐसा कहा जाता है ना कि ये इंपॉर्टेड चीज है, यानी बढ़िया ही होगी, आंखें बंद करके ले लो बस। अगर इसके ऊपर मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी ऐसा कुछ भी लिखा है, बात खत्म, 100% गारंटी, सुपर प्रोडक्ट ही होगी। इतने हजारों किलोमीटर दूर जो चीज बनती है उसकी तारीफ हम यहां पे भी करते हैं, इतनी शानदार चीजें उन्होंने बनाई। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने गाड़ियां बनाई या मशीनरी बनाई या ऐसी कुछ चीजें बनाई, उन्होंने अगर खाने पीने की भी कोई चीज बनाई तो वो भी पूरे वर्ल्ड में फैल गई। आज हम देख सकते हैं कि इंडिया के छोटे छोटे शहरों में भी आज मैकडोनाल्ड्स के बर्गर बिकते हैं, KFC के चिकन मिलते हैं। तो ये उनकी खासियत है, प्रोडक्शन, सर्विस, क्वालिटी, जिसका कोई तोड़ जोड़ नहीं होता, और इतनी शानदार तरीके से उसको मैनेज करते हैं, और इसीलिए आज वो वर्ल्ड के लीडर्स हैं और टॉप 10 जो रिचेस्ट पर्सन है उसमें गिने जाते हैं। और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा दोस्तों कि आप भी अगर सेफ शॉप बिजनेस में हो तो ये बिजनेस भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का बिजनेस है, और ऐसी प्रोडक्ट जो इंडिया की टॉप लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में बनाई जाती है, यानी जिसका नाम सुनते ही किसी भी इंडियन को अगर आप इसका नाम दे दोगे वो गारंटी दे के बोलेगा कि यस, इसमें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी शानदार रहेगी, इसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ सोचना नहीं होगा। और जब हम इस बिजनेस को एजुकेट करते हैं तो हम सर्विसेज भी देते हैं, कैसे ये बिजनेस होता है, क्या करने से आप सक्सेसफुल होंगे, इस बिजनेस को करने के लिए जरूरी जो मीटिंग्स रहती हैं वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज जो आप अगर इस बिजनेस में हो, आप बिल्कुल सही जगह पे हो, ये बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का बिजनेस है। तीसरा सीक्रेट, और बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, बताओ ये लोग जो भी इतना बड़ा काम करते हैं, इतने सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर दिए, करोड़ों रुपए का टर्नओवर, हजारों लोग, लाखों लोग जहां पे जॉब करके काम करते हैं, जिनकी सैलरी बनती है, इतना सारा काम करते हैं, वो लोग करते कैसे होंगे, ऐसा कैसे कर लेते होंगे? तो ये लोग जो काम करते हैं वो ज्वाइनिंग पीपल इंटू देयर बिजनेस का काम करते हैं, यानी कि लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। क्या आपको ये गले के नीचे नहीं जा रहा, यानी कि ये समझ में नहीं आ रहा है? चलिए कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं, आप इन्हें तो जानते होंगे, ये है मार्क जुकरबर्ग। नहीं जानते तो मैं बताना चाहूंगा कि ये फेसबुक कंपनी जो है उसके मालिक है, इन्होंने ये कंपनी की शुरुआत की, ये थॉट, ये आइडिया इनका था। अगर किसी को यह भी नहीं पता कि फेसबुक क्या है तो मैं बताना चाहूंगा कि ये एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। अभी उसमें होता क्या है, मान लो कि प्रवीण जी जो है वो फेसबुक ओपन करते हैं, अपना एक लॉगिन करते हैं, यानी कि इनकी कंपनी के साथ वो जुड़ जाते हैं। यानी कि मार्क जुकरबर्ग क्या करते हैं, पहले प्रवीण जी को अपनी कंपनी में जोड़ देते हैं। अब प्रवीण जी जुड़ गए, अपनी सारी लॉगिन डिटेल डाल दी, अपने फोटो भी डाल दिया, सब कुछ हो गया। अब प्रवीण जी अकेले थोड़ी ना रहेंगे वहां पे, अब प्रवीण जी क्या करेंगे, वो अपने दोस्त रिश्तेदारों को बताएंगे कि भैया ये फेसबुक है, इसमें फोटो डाली जाती है, हम कहीं जाते आते हैं, हमारे घर में कोई बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, उसकी फोटो इसमें डालते हैं तो हमारे दोस्त रिश्तेदार इसको देख के हमको कमेंट कर सकते हैं, और इसमें इसी प्रकार से लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो प्रवीण जी ने क्या किया, सबसे पहले जुकरबर्ग जी ने प्रवीण जी को अपनी कंपनी में जोड़ा, अब प्रवीण जी ने अपने दोस्त रिश्तेदारों को
फेसबुक पे अपने आईडी के साथ जोड़ा। अब ऐसा करते हुए जितने लोग उनके साथ जुड़े उन सभी लोगों ने भी अपने साथी दोस्त रिश्तेदारों को भी जोड़ दिया। आज इस मीटिंग में अटेंड करने वाले मेरे काफी साथी मित्रों को भी मैं अगर पूछूं, भैया आपकी फेसबुक आईडी पे कितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स कितने हैं, तो कहेंगे कि सर कोई कहेगा 1500, कोई कहेगा 2000, कोई कहेगा 4000, कोई तो छाती फुला के फैलेंगे, बोला सर 5000 लोग हैं हमारे पास। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, लेकिन ये सारा का सारा बिजनेस जो है वो किसको मिल रहा है? मार्क जुकरबर्ग को। वो पहुंच गया वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में, पर हमने क्या किया? उनके लिए काम किया, फ्री ऑफ चार्ज काम किया, क्योंकि इसने भी आपको ये सर्विस फ्री में ऑफर करी थी, कोई पैसे नहीं लिए। लेकिन आज अगर फेसबुक पे देखो कि ये क्या कर रहे हैं, आपके माध्यम से जुड़े हुए सभी लोगों के अंदर वो बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं, वो सर्विसेज बेच रहे हैं, वो होटल बेच रहे हैं, वो टूरिज्म बेच रहे हैं, एजुकेशन बेच रहे हैं, हर एक चीज वो यहाँ पे बेच रहे हैं, वहां से पैसे कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इतने ज्यादा पैसे की वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में नाम आ जाए, इतने पैसे बना दिए। क्या करके बनाए? लोगों को जोड़ के। क्या करके? लोगों को जोड़ के। तो अगर जोड़ के बिजनेस किया जा सकता है, क्योंकि ये कौन सा काम करते हैं? लोगों को जोड़ने वाला काम करते हैं। लेकिन अगर आप किसी को जाके ये बताओ कि सर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, तो क्या बोलेगा? मैं कोई नहीं करूंगा जोड़ने जड़ने वाला काम, हमसे नहीं होगा ये जोड़ने वाला काम। तो वो ये सोचते हैं कि जोड़ने वाला काम में इज्जत कम हो जाती है, पैसे नहीं मिलते। लेकिन दोस्तों अगर सही दिमाग से सोचोगे तो आपको दिखेगा कि जोड़ने वाला काम खाली ऐसा नहीं है कि मार्क जुकरबर्ग कर रहा है। दुनिया में जो भी आगे आया है, नीचे से लेकर फटाक से जो कोई ऊपर गया है, तो वो लोगों को जोड़ के ही गया है। आप देख सकते हो, बताओ मुझे कि अगर कोई बाबा है, हाँ कोई भी बाबा, हम नाम नहीं लेते हैं, भले वो कोई भी प्रकार का काम करते हैं, अगर बाबा है वो लोगों को जोड़ना कर शुरू कर देता है, अगर उसके पेंडोल में 100 लोग बैठे हैं, तो आप क्या बोलोगे? बाबा सक्सेसफुल है? नहीं है। लेकिन अगर उसके पेंडोल में 1,00,000 लोग बैठे हैं, तो आप क्या बोलोगे? अरे वाह भाई, बड़े ज्ञानी बाबा लगते हैं, बहुत बड़े बाबा है, और इतने सारे लोग आते हैं। उसने किया क्या? 1,00,000 लोगों को अपने साथ जोड़ दिया। अब बाबा का नॉलेज है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाबा में वो पावर है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाबा ने कितने लोगों को जोड़ दिया उससे फर्क पड़ता है कि बाबा कितने सक्सेसफुल है। अब नेताजी की बात कर लो, अगर किसी नेता की पार्टी में 1,000 लोग हैं तो वो फेलियर है, लेकिन उसके पास अगर लाखों लोगों की टीम है, लाखों लोग उसके फॉलोअर हैं, तो वो सक्सेसफुल है। आज अगर आप देखो तो यूनियन लीडर भी बहुत सारे आ जाते हैं, ऑटो यूनियन, ये यूनियन, फला यूनियन, तो जो भी यूनियन लीडर्स भी आते हैं वो काम क्या करते हैं? तो लोगों को अपने यूनियन के साथ जोड़ते हैं। अब सही बताओ, यूनियन लीडर जैसे ही यूनियन लीडर डिक्लेयर होता है वो ऑटोमेटिक वीआईपी बन जाता है, कहीं ना कहीं से लोग उसका इंटरव्यू लेने आ जाते हैं, कोई पार्टी वाला आके उसको टिकट भी दे जाता है, कभी वो इलेक्शन भी लड़ लेता है, कभी वो एमपी भी बन जाता है, यानी उसकी जिंदगी बदल जाती है जब वो क्या काम करता है? लोगों को जोड़ने वाला काम। क्या काम करता है? लोगों को जोड़ने वाला काम। लेकिन अगर हम ये कहते हैं क्या हो सर इस बिजनेस में जुड़ जाओ, तो लोग ये कहते हैं नहीं नहीं भाई, ये जुड़ने जड़ने वाली बात हमसे मत करो, हमसे नहीं होगा। दोस्तों आज ये लोग नहीं, हर एक व्यक्ति आगे आने के लिए अपनी टीम में लोगों को जोड़ रहा है। वो एनजीओ हो सकता है, वो ग्रुप हो सकता है, वो क्लब्स हो सकती है, हर एक जगह पे आप देखो कि हर एक व्यक्ति अपने साथ लोगों को जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, तो आप क्यों नहीं जोड़ते? तो अगर आप सेफ शॉप बिजनेस कर रहे हो,
मतलब कि आप जोड़ रहे हो और जोड़ने वाले बिजनेस में हो, 100% आप सक्सेसफुल होने वाले, आप सही जगह पे हो। आपने भी वो सीक्रेट अपना लिया है जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन के पास है, उन्होंने जो सीक्रेट लेके इस बिजनेस को सक्सेसफुल होके वर्ल्ड में टॉप लीडर बने, करोड़ों रुपए कमाए, आप भी इसी जोड़ने वाले काम से करोड़पति बन सकते हो। और चौथा सीक्रेट जो है बता दूं दोस्तों, चौथा सीक्रेट यह है कि इतने सारे काम जो इतने वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हैं, उनकी दिनचर्या क्या होगी, यानी सुबह से शाम वो एग्जैक्टली क्या करते होंगे, सुबह उठ के यानी ब्रश करते होंगे तो क्या अलग तरीके से ब्रश करते होंगे, या नहाते होंगे तो क्या अलग तरीके से नहाते होंगे, ऐसा क्या काम करते होंगे, या फिर ऐसा क्या खाते होंगे, ऐसा क्या होगा ताकि वो इतने सक्सेसफुल हो गए। जानना चाहेंगे कि पूरा दिन वो क्या करते हैं, अगर उनकी एक्टिविटीज को अगर आपने कॉपी कर लिया तो आप भी 100% उनके जैसे बन जाओगे। तैयार हैं? तो चलिए, चौथा और जबरदस्त सीक्रेट जो है वो है, जो रिचेस्ट पीपल है वो मीटिंग करते हैं लोगों के साथ। जी हाँ, बताओ ना, अगर मुकेश अंबानी जी की बात करें, उनकी मान लो रिलायंस फ्रेश करके ये सुपर मॉल है, उनके पेट्रोल पंप है, उनकी रिफाइनरीज है, उनके टेलीकॉम है, यानी हर एक जगह पे उनका तो कुछ ना कुछ है, तो क्या वो सब जगह पे जाके काम करते हैं? नहीं, वो करते क्या है, सुबह से शाम उनकी क्या चलती है, मीटिंग। मॉर्निंग में क्या करते हैं वो, मीटिंग। दोपहर में क्या करते हैं वो, मीटिंग। शाम को क्या करेंगे, मीटिंग। मीटिंग होटल में क्या रहेगा, किसी के साथ, मीटिंग। अगर उनको कहीं जाना है और किसी को मिलना है तो उसको क्या कहते हैं, मीटिंग। यानी हर एक डिसीजन के लिए वो करते हैं मीटिंग। कभी टीम की मीटिंग, कभी क्लाइंट की मीटिंग, कभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग, कभी बैंक की मीटिंग, कहीं ना कहीं वो हर बार नए 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 लोगों के साथ लगातार बार बार लगातार बार बार करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। क्या करते हैं, मीटिंग। अगर आप ये सीक्रेट जान गए और इसे फॉलो करना शुरू कर दिया, आप भी 100% मीटिंग करते 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 करोड़पति बन सकते हो। और मैं बताना चाहूंगा कि अभी इस बिजनेस की अगर हम बात करें सेफ शॉप में, तो हम भी क्या करते हैं, सबसे पहले मॉर्निंग में मीटिंग, फिर किसी को अगर प्लान दिखाने के लिए जाना है, बुलाना है, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ मीटिंग। संडे को अगर वेन्यू रखा है तो उसे क्या कहते हैं, मीटिंग। इतना सब कुछ करने से अगर कोई व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसके साथ सबसे पहले करते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। फिर आता है अगर शुक्रवार, तो हम करते हैं न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन मीटिंग। कभी अपलाइन टॉप लीडरशिप अगर आ रही है तो बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार की होती है एक मीटिंग। और अभी हम जो इस वेबिनार के द्वारा कर रहे हैं वो भी क्या है, मीटिंग। जो ये सीक्रेट जान गया कि ज्यादा मीटिंग्स करने से, ज्यादा लोगों को मिलने से वर्ल्ड के टॉप लीडर्स जो टॉप करोड़पति बने हैं, ऐसे करोड़पति बना जा सकता है, वो कभी भी मीटिंग से कतराएगा नहीं, भागेगा नहीं, बल्कि दमदारी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने की कोशिश करेगा, बढ़िया मीटिंग्स के रेट बढ़ा देगा, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करके वो करोड़पति बन जाएगा। मैं भी क्या करते रहता हूं, सुबह मीटिंग, दोपहर मीटिंग, शाम मीटिंग, और रात को 10 बजे भी मीटिंग। और ये मीटिंग खत्म होने के बाद भी अगर मेरा मूड हो गया तो कुछ लीडर्स को बुला लूंगा जूम पे और क्या करूंगा, मीटिंग। बताई हो दोस्तों, तो चार टॉप के सीक्रेट्स हैं जो वर्ल्ड के करोड़पतियों को करोड़पति बनाते हैं। वो चारों के चारों सीक्रेट्स आपको यहां पे सेफ शॉप बिजनेस में मिलते हैं। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर
कोई व्यक्ति संजय जैन जैसे सर जैसे हैं जो 18 सालों से इस बिजनेस को कर रहे हैं, कोई व्यक्ति माधव सर जैसा है जो 15 सालों से कर रहा है, कोई व्यक्ति अभी अभी जुड़ा है, तो कोई भी व्यक्ति कब जुड़ा कब आया उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पे इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी और बेस्ट चीज यही है कि हर एक व्यक्ति के साथ सेम चीज होती है, 100% ट्रांसपेरेंसी से यह बिजनेस चलता है, और हर एक व्यक्ति की अगर कैपिंग लग रही है तो हर एक की इनकम मिलती है सेम, वीकली 2 लाख रुपए, महीने के 8 लाख रुपए, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम। ये पावर है इस बिजनेस का। लेकिन सारे लोग यहां पे सफल नहीं होते, या कोशिश करने के बाद भी इस बिजनेस में जुड़ने से कतराते हैं, बहुत समझाने के बाद भी अगर कोई नया व्यक्ति है वो समझ नहीं पाता है। क्योंकि अगर आप किसी को ये कहो कि भैया डॉक्टर बनना है, तो ऐसे ही स्टेथोस्कोप गले में डाल के डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं। कोई कहेगा मुझे बिल्डिंग बनानी है, तो ऐसे ही येलो कैप पहन के इंजीनियर बन जाएगा? नहीं। यानी कि हमारी समाज व्यवस्था में हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, हर प्रकार का एजुकेशन दिया जाता है। आप देख सकते हो कि डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, कुछ भी बनना है आपको, एडवोकेट, हर एक चीज को सीखने का एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है। यहां तक कि अगर आपको किसी अच्छे रेस्टोरेंट का वेटर बनना है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में अगर आपको कुक बनना है यानी कि शेफ बनना है, आपको कोई सेल्स पर्सन बनना है, आपको कहीं पे सिक्योरिटी में लगना है, हर एक जगह की ट्रेनिंग होती है, बकायदा आपको एजुकेशन लेना पड़ता है, उसका सर्टिफिकेट मिलता है, तब जाके आपका इंटरव्यू होता है, और बाद में आपको पास करने से आपको जॉब मिलती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी प्रोफेशन है, एक ऐसा बिजनेस है जिसका फॉर्मल एजुकेशन पिछले कई सालों से कहीं पे भी नहीं था। अब जाके धीरे धीरे कोई यूनिवर्सिटीज ने इसके कोर्सेज लॉन्च किए हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज आने लगे हैं, लेकिन इतने सालों से जो चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो लोगों की सोच ये है कि मैं भी कर सकता हूं, इसमें क्या है, सीखने की थोड़ी ना जरूरत है, इसमें सीखना क्या, बोलना ही तो है, मैं जाऊंगा बोलूंगा प्लान दिखाऊंगा बात खत्म, मैं जुड़ गया तू भी जुड़ जा बात खत्म। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, या फिर ट्रेनिंग लेने की इच्छा ना होने से भी लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर सही मायने में मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस से आपको क्या मिल सकता है, तो जरूर आप इसकी ट्रेनिंग लेना चाहोगे, जरूर आप इस बिजनेस को सीख के करना चाहोगे। दोस्तों, ये बिजनेस आपको बहुत सारे बेनिफिट दे सकता है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है दोस्तों कि ये इजी टू स्टार्ट है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, यानी जीएसटी नंबर ले आओ, गुमास्ता धारा ले आओ, कॉरपोरेशन का परमिशन ले आओ, ऐसी कुछ चीजों की जरूरत नहीं है। खाली आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर है, बात खत्म, फटाक से आधे घंटे के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन और बिजनेस शुरू। ये इजी टू स्टार्ट है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर यहां पे आपने काम किया तो इनकम के लिए 1 महीने तक वेट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे वीकली अर्निंग है, हर हफ्ते आपका हिसाब और हर हफ्ते आपको पेमेंट, यानी फास्ट इनकम है, हर हफ्ते आपको इनकम यहां से मिल जाती है। और सेफ शॉप बिजनेस की सबसे बढ़िया चीज यह है कि ये तो ऑनलाइन बिजनेस है, घर बैठे किया जा सकता है, यानी कोई लॉकडाउन आ गया, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, कुछ भी हो गया, ऑनलाइन बिजनेस है तो ये रुकता नहीं। और अगर दूसरे एंगल से देखे जाए तो अगर आज से 5 साल बाद की बात करें तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी होगी, यानी जिंदगी बिना ऑनलाइन के आप सोच भी नहीं पाओगे, ऐसा हो गया होगा। अगर आज आप इस बिजनेस को कर रहे हो तो ये ऑनलाइन बिजनेस है, यानी कि फ्यूचर का बिजनेस है, ये टीम वर्क का बिजनेस है, यहां पे आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपकी अपलाइन, आपकी क्रॉस लाइन, आपके सारे टीममेट्स, सारे लोगों की एक टीम रहती है जो आपको हेल्प करती है, पर यहाँ पे आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी सिस्टम भी है जिसको कहते हैं सपोर्ट सिस्टम। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम
ये एक ऐसी सिस्टम है जो आपको एजुकेट करती है कि इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। इस एजुकेशन के लिए पीरियोडिकली एवरी वीक यहाँ पे ट्रेनिंग चलती है, मीटिंग चलती है, जो फ्री ऑफ चार्ज रहती है। इस बिजनेस के साथ नॉमिनेशन फैसिलिटी है। अगर कोई डॉक्टर अपने बच्चों को एजुकेशन ना दे सका या बच्चे एजुकेशन ना ले सके और डॉक्टर ना बन सके, मान लो डॉक्टर का बेटा कोई आर्टिस्ट बन गया, तो अब डॉक्टर की जो बनी बनाई हॉस्पिटल है, सारी कुछ चीजें है, डॉक्टर के ना रहने पे क्या होगा? कोई भी व्यक्ति जाके किसी को भी दवाई तो नहीं दे सकता। अगर कोई एडवोकेट है, उसका बेटा अगर वकील नहीं बना, तो वो अपनी रेपुटेशन, अपने कस्टमर, अपना सारा कुछ चीजें छोड़ के इस दुनिया से चला जाएगा, उसका बिजनेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपने कुछ भी मेहनत कर ली, जो भी टीम बना ली, आपके ना रहते हुए ये जो आपका कोड है वो आपकी नॉमिनी में, आपकी जिसने भी, जो भी व्यक्ति की आपने नॉमिनेशन दी है उसके नाम पे ट्रांसफर होगा, यानी कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के नाम पे, और उनके ना रहते हुए आपके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होगा। यानी कि ये 3 जनरेशन तक चलने वाला बिजनेस है। ये एक होम बेस्ड बिजनेस है, इसके लिए कोई दुकान या कोई मॉल या कोई ऑफिस या कोई गोदाम कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, आप घर से ही इस बिजनेस को कर सकते हो। ये बिजनेस ऐसा है कि पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ कर सकते हो, यानी कि आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके माँ बाप, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होके हंसते खेलते इस बिजनेस को एंजॉय करते हुए कर सकते हो। इस बिजनेस को करने का कोई फिक्स टाइम स्ट्रक्चर नहीं है, आप अपने टाइम पे कर सकते हो। अगर आप जॉब या बिजनेस कर रहे हो तो उसको ना डिस्टर्ब करते हुए रात को कर लो, सुबह कर लो, दोपहर में कुछ टाइम मिला तब कर लो, टाइम नहीं मिला मत करो, कोई बात नहीं है। यानी अपने टाइम से होने वाला फ्लेक्सिबल बिजनेस है। और यहाँ पे जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल है। इक्वल का मतलब यह है कि जो पहले आया वो ही ज्यादा पैसे कमाएगा, ऐसा नहीं है। जो ज्यादा काम करेगा, जो अच्छे से ढंग से काम करेगा, वो ज्यादा पैसा कमाएगा। यानी कि हर एक व्यक्ति को समान तक मिलती है, पहला या आखिरी कोई मायने नहीं रखता। और अगर आप देखो तो यहाँ पे इस बिजनेस को करने का कोई टारगेट नहीं है, यानी आपको अगर कुछ नहीं किया तो लॉस हो जाएगा या कुछ पैसे काट लिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई टारगेट नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं रखना है, आप अकेले अकेले कर सकते हो, किसी को पगार देने की जरूरत नहीं है। आपको कोई स्टॉक नहीं रखना है, कंपनी खुद स्टॉक रख रही है, उसका बहुत बड़ा गोदाम है, जितना चाहो जब चाहो आप मंगवा के आप यूज करो। आपका कोई बॉस नहीं है, आपको किसी को रिपोर्टिंग नहीं करना है। यहाँ पे काम करने का कोई रिस्क नहीं है क्योंकि आपके कोई पैसे नहीं लगे, और किसी को क्रेडिट देने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि किसी को उधारी देना, पैसे देना, ऐसी कोई बात आपकी नहीं है, यानी आपको किसी को क्रेडिट नहीं देना है। इस बिजनेस की कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी, इतना से इतना इलाका आप करो, फिर दूसरे इलाके में दूसरे लोग करेंगे, वहां नहीं जाना है, वहां माल नहीं बेचना है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी स्टेट में, किसी भी गांव में जाके इस बिजनेस को कर सकते हो। नो रिजर्वेशन। जब मैं ये पॉइंट कहता हूं तो काफी लोग नाराज होते थे, सर वो रिजर्वेशन वाली बात। मैं कहता हूं भैया ये वो वाला रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन मतलब ये होता है, मान लो आप बस में जाते हो और अपने रिश्तेदारों के लिए आप सीट रोकते हो ना, कि एक रुमाल रख दिया और बोले ये मेरे भाई आ रहा है, अभी रुको नीचे चाय पानी लेके गया है, यानी वो अभी आएगा, आप इसमें बैठो मत। वो जो रिजर्वेशन आप रखते हो, आप रेलवे में जाते हो आप रिजर्वेशन रखते हो, यानी आपकी सीट कोई नहीं बैठ सकता। यहाँ पे ऐसा रिजर्वेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर एक काम करो मैं 2-3 ID गिरा देता हूँ, वो मेरे सगे भाई बहनों के रहेंगे, वो अभी कुछ नहीं पेमेंट डालेंगे और बाद में नीचे लोगों को डालेंगे, ऐसा नहीं होता। जब तक कि आप पेमेंट नहीं डालते तब तक कि आपकी आईडी एक्टिव नहीं होती, आपकी आईडी शुरू नहीं होती, यानी यहाँ पे कोई रिजर्वेशन होता नहीं है। नो डिग्री रिक्वायर्ड। आप एजुकेटेड हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो कोई बात नहीं, इस बिजनेस को करने के लिए कोई पर्टिकुलर डिग्री होनी जरूरी नहीं है। आपके दिल में पैसा कमाने का जज्बा होना चाहिए, बस इतना हो गया, आप इस बिजनेस में यानी हर एक ऊंचाइयों को सर कर सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस को करने में कोई लॉस नहीं है। इतना शानदार, इतना बढ़िया ये बिजनेस है, और इस सारी बातें मैंने आपको बताई। मैं आशा रखता हूं कि आपको ये सारी बातें हेल्पफुल रही होगी,
और आपको वो सारी इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज आज आपको मिला है कि करोड़पति लोग कैसे करोड़पति बन गए, अगर आप इस बिजनेस में हो तो आप भी वो ही काम कर रहे हो जो उन्होंने किया था, तो आज आप भी यहां से इस बिजनेस में लोगों को जोड़ के, बिजनेस को दिखा दिखा के यहां से करोड़पति बनने के लिए आगे बढ़ सकते हो। आप सभी का इस पूरे वेबिनार में मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं राकेश जी से विनती करूंगा कि राकेश जी हमारी टीम में जो लोग हैं उनका भी फीडबैक ले लें और इस मीटिंग को कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए कि मैं फील करने लग गया हूँ कि मैं बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि आज जो चार सबसे बड़े स्टेप्स बताए बड़ा आदमी बनने के लिए, कुछ चीजें होना बहुत जरूरी है, और वो कौन लोग है, आपने जो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सक्सेसफुल स्टेप्स इंफॉर्मेशन गैदर करके निकाला सर, उसमें सबसे बड़ी बात ये पहला पार्ट कि लोग क्या करते हैं, तो लोग बिजनेस करते हैं तभी सक्सेसफुल हो गए। जो लोगों के बारे में आपने एग्जांपल बताया, अच्छा हुआ वो जॉब में फेलियर हुए, चाहे वो जैकमा हो, चाहे वो बिल गेट्स हो या सारे लोग हो, उनके फेलियर के बाद उन्होंने जॉब ना करते हुए बिजनेस किया, तो आज दुनिया में इतिहास रचा हुआ है। हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम भी ऐसे ही बिजनेस इंडस्ट्री में आए। सेकेंड, आपने सब बता दिया कि बड़े बिजनेसमैन करते क्या है, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस और कोई क्वालिटी वाला एक एग्जीक्यूशन करते हैं। ये तीनों चीजें इस सेप शॉप से हमको मिल रही है, क्लास का प्रोडक्ट, क्लास की सर्विस और क्लास की क्वालिटी। इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए बड़े लोग क्या करते हैं, अंबानी से लेकर टाटा तक मीटिंग मीटिंग मीटिंग, और रात के 11 बजे हम क्या कर रहे हैं, मीटिंग, मतलब हम किसी बड़े बिजनेसमैन से कम नहीं है। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद मुझे बहुत शानदार लगा सर कि ये इतना बढ़िया एजुकेशन घर बैठे बैठा है, और सबसे फाइनल आपने ये भी बता दिया कि ये बिजनेस वो दे सकता है जो दुनिया में और कोई बिजनेस नहीं दे रहा है। हम एजुकेशन नहीं मांग रहे, रिजर्वेशन नहीं मांग रहे, लॉस नहीं है, बॉस नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है यहाँ रिक्वायरमेंट, लेकिन यहाँ बड़ा काम हो रहा है। दोस्तों ये था आज का सबसे पावर बैक और पावरफुल परफॉर्मेंस, जिसके माध्यम से आज आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप किसी नेता से आगे, किसी बाबा से ऊपर, किसी यूनियन लीडर से ज्यादा और किसी क्लब और ग्रुप से बड़ा काम कर पाओगे, क्योंकि जिसके पास लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने ही सबसे ज्यादा पैसा कमाया। मैं आप लोगों से आपका फीडबैक चाहता हूं, कुछ अगर आप इसमें अपडेट करना चाहेंगे तो। यस प्रवीण जी। यस प्रवीण सर, थैंक यू सो मच अगेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो माइंड ब्लोइंग आज आपने जो सेशन दिया है, बहुत ही जबरदस्त सेशन दिया है। आज आपने बताया कि अमीर किस तरीके से बना जा सकता है, और अमीर बनने के आपने कोई चार पॉइंट बताए, चार स्टेप बताए, और इन चारों स्टेप को कहीं ना कहीं आज हम सेफ शॉप में भी कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। अमीर व्यक्ति बिजनेस करता है, अमीर व्यक्ति प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील करता है, अमीर व्यक्ति लोगों को जोड़ने का काम करता है, और अमीर व्यक्ति सुबह से रात तक सिर्फ एक ही काम करता है, वो करता है मीटिंग 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 मीटिंग, और वही सभी काम। आज मुझे मैं आज आपको सही मायने में बताऊं तो आज मुझे रात भर नींद नहीं आने वाली। मैं इतना प्राउड फुल महसूस करने वाला हूं कि मैं भी कहीं ना कहीं वही काम कर रहा हूं जो आज की डेट में दुनिया के सबसे अमीर रिचित पर्सन करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर अगेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतने सारे लोगों, इवन मेरी आंखें खोल दी। आज मैं एक इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, कहीं ना कहीं हम भी सोचते थे, मगर आज वाकई में हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जो वाकई में आने वाले समय में हमारा भी अमीरों में नाम आ सकता है। तो अगेन थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू राकेश जी, आप मीटिंग को कंक्लूड कर सकते हो। जी सर, कंक्लूजन क्लियर है सर, इट इज द बिगिनिंग। कंक्लूजन ये है कि लोगों के दिमाग में अब आ गया है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी शानदार ट्रेनिंग लेने के लिए। यहाँ जितने लोगों ने भी ये सेशन लिया देखा है सर, उन्होंने ये क्लियर ला लिया है अपने दिमाग में कि एक आसान तरीके से बड़ा बिजनेस किया जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है
कि वो सही कंपनी, सही सिस्टम और सही लीडरशिप के साथ में है। दोस्तों इस शुभकामनाओं के साथ कि आज का सेशन आपके लाइफ में बहुत कुछ एड ऑन करके जा रहे हैं, शुरुआत है एक अपने बिजनेसमैन क्रिएशंस की और हो सकता है कल आप 100 करोड़ का इतिहास भी लिखने जा रहे हैं। बस आज की रात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, क्योंकि इतना तो कोई सगा भी आपको बता के नहीं जाता कि आप 100 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। ये सिस्टम और इतनी अच्छी अपलाइन ये आपको दे के जा रही है, इतना बड़ा नॉलेज। तो मैं इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप अपनी जिंदगी की एक बड़ी शुरुआत इस सेशन के बाद करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय सिस्टम के साथ लगाया और मुझे पक्का भरोसा है कि जितने लोगों ने अंत तक इस प्रोजेक्ट के साथ बने रहे उनकी लाइफ में तो आज से ही बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप